जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने गोल्जी बॉडी को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में लाइसोसोम, सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, वो हम लोग मेंशन करेंगे, रीड करेंगे। लाइसोसोम हेडिंग डालते हैं हम लोग, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम है, जो अगर ब्रस्ट कर जाए, फट जाए, तो पूरे सेल को डेथ कर देगा। क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। लाइसो लाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे पाया जाता है। सोम मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें लाइटिक एंजाइम्स हो, जो किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सके, लाइसिस कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। ऐसी बॉडी जो किसी अदर बॉडी को क्या करे, डाइजेस्ट करे। ओके, तो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, वहाँ के सेल्स में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा नंबर्स में, मोर नंबर्स में पाया जाता है। 50 to 50,000 नंबर्स एक सेल में लाइसोसोम का होता है, डाइजेस्टिव सेल्स में खास करके। तो इसको क्या क्या नाम बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल को मार सकता है साइटोप्लाज्म में, अगर लाइसोसोम बस्ट कर गया तो वो सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, दैट मीन्स सेल की डेथ हो जाएगी। इसी वजह से लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। आत्महत्या की थैली हिंदी में बोलते हैं। डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल दूसरे नाम से बोलते हैं, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल, ऑफ द सेल डिस्पोजल यूनिट बोलते हैं। कचरा यहीं पे आके क्या होती है, स्टोर होती है, कचरे को डाइजेस्ट किया जाता है, इसके डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल। सेल में कोई भी कचरा कहीं पे भी होता है तो ये इसको डाइजेस्ट कर देता है। इसी वजह से इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सफाई करने वाला जो भंगी होता है, इसका वेंजर बोलते हैं। ऐसा एनिमल्स, पिग वगैरह या फिर वल्चर वगैरह, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका वेंजर बोलते हैं। तो लाइसोसोम सेल के अंदर इसका वेंजर का काम करता है, सफाई का काम करता है। ओके, कचरे को एक तरह से क्या करता है, रिमूव करता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं इसका वेंजर ऑफ द सेल, डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग। अगर डाइजेस्ट, अगर फट गया, आत्महत्या की थैली है ना, लाइसोसोम अगर फट गया तो वो क्या करेंगे, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देगा, मार देगा, डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग क्या क्या बोलते हैं? डिस्पोजल यूनिट, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, ये तीन सेंटेंस इसके लिए बोलते हैं। डिस्कवर्ड की अगर बात करें तो डिस्कवर्ड किसके थ्रू हुआ? डिस्कवर्ड बाई सी ड्यूब, क्रिश्चियन है सी ड्यूब, ये एक क्रिश्चियन है, साइंटिस्ट है, जिसने डिस्कवर्ड किया, सी ड्यूब ने डिस्कवर्ड किया, याद रहेगा। सी ड्यूब डी याद रहेगा। डिस्कवर्ड बाय लाइसोसोम, डिस्कवर्ड बाय सी ड्यूब, क्रिश्चियन, कैसा था? क्रिश्चियन था। नोमेनक्लेचर नोविकोफ ने दिया, नोविकोफ एक साइंटिस्ट है, नोविकोफ। कॉमन कहाँ पे होगा? कॉमन इन एनिमल सेल में कॉमनली पाया जाएगा। अबाउंडेंट होगा डाइजेस्टिव सेल्स में, एनिमल सेल्स में, ऐसे जगह पे जहाँ पे डाइजेशन का काम हो, हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, तो एनिमल सेल में, डाइजेस्टिव सेल्स में वो अबाउंडेंट नंबर्स में होगा, बहुत ज़्यादा होंगे, अबाउंडेंट इन डाइजेस्टिव सेल्स। हाँ
जहाँ पे डाइजेशन का काम होगा वहाँ के सेल्स में अबाउंडेंट नंबर्स में क्या होंगे, लाइसोसोम होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इसके अंदर ना, लाइसोलाइटिक एंजाइम्स, तो वो फूड पार्टिकल्स पे के साथ अटैच होगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव सेल्स है वहाँ पे ये मोड इन नंबर्स होगा। प्लांट सेल में जनरली अब्सेंट होता है। फर्स्ट रिपोर्ट किया था न्यूरोस्पोरा क्रासा में, पिंक मोल में, ओके। तो जनरली अब्सेंट होता है इन प्लांट सेल। अब्सेंट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में ये जनरली क्या होता है, अब्सेंट होता है, ओके। प्रेजेंट कहाँ पे है, एनिमल सेल में। मोर इन डाइजेस्टिव सेल्स, जनरली अब्सेंट इन प्लांट सेल्स। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था न्यूरोस्पोरा में, फर्स्ट टाइम प्लांट सेल में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था किसमें, न्यूरोस्पोरा में। स्लाइम मोल्ड है ये, न्यूरोस्पोरा क्या है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड में ये न्यूरोस्पोरा। एक्चुअली पिंक मोल्ड बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड नहीं, पिंक मोल्ड बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा फर्स्ट टाइम है ना, लाइसोसोम फर्स्ट टाइम प्लांट सेल में न्यूरोस्पोरा में रिपोर्ट किया गया, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया न्यूरोस्पोरा क्रासा बोलते हैं। और न्यूरोस्पोरा क्रासा को पीमेटाइल ने इसको क्या बोला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये न्यूरोस्पोरा को फर्स्ट टाइम है ना ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला गया, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा को बोला गया, किसको बोला गया, न्यूरोस्पोरा को बोला है ना पी मेटाइल ने, किसने बोला, पाई पी मेटाइल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने न्यूरोस्पोरा को क्या बोला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। कई बार पूछा गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इज न्यूरोस्पोरा क्रासा। अब प्लांट सेल में लाइसोसोमल एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे स्फेरोसोम होता है। क्या होता है, स्फेरोसोम, वो परफॉर्म करता है लाइसोसोम की एक्टिविटी प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जनरली अब्सेंट है, फर्स्ट टाइम न्यूरोस्पोरा में रिपोर्ट किया कि वहाँ पे भी लाइसोसोम होता है। बट मेनली प्लांट में लाइसोसोमल एक्टिविटी जो होती है वो परफॉर्म होता है स्फेरोसोम के थ्रू है ना, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल लाइसोसोमल एक्टिविटी कंट्रोल बाय, या फिर कह सकते हैं कैरिंग आउट बाय, परफॉर्म बाय, परफॉर्म बाय स्फेरोसोम। स्फेरोसोम के थ्रू लाइसोसोम की एक्टिविटी प्लांट में क्या की जाती है, परफॉर्म होती है। कह सकते हैं सिंपली प्लांट सेल में लाइसोसोम की जगह पे स्फेरोसोम होता है, ओके। इसके बाद हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम को मेंशन करेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, किस तरह से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम,
ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, यह होता है गोल्जी बॉडी का कोऑपरेशन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ थ्रू द गल सिस्टम। गोल्जी बॉडी एसोसिएट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम यहाँ पे फिगर वाइज हम लोग देखेंगे तो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट होता है, ट्यूबुलर सिस्टम बनाता है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये हो गया टोटल हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसके साथ इसका एंड वाला पार्ट वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करता है। वेसाइकल्स मिल के ट्यूब्यूल्स बना दिया और ट्यूब्यूल्स मिल के इस तरह से गोल्जी बॉडी बना दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से सेक्रेशन होके इस तरह से वेसाइकल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी का एसोसिएशन किसके साथ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है और इस तरह से ये मिल के लाइसोसोम बना देता है। इस तरह से गोल्जी बॉडी प्लस का साइन है, एसोसिएट विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लाइसोसोम। इस सिस्टम को बोलते हैं गल सिस्टम। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम में हम लोग मेंशन करेंगे फ्रॉम गोल्गी बॉडी इन कोऑपरेशन विथ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, थ्रू द गल सिस्टम, थ्रू द GIRL नहीं है, GERL गल सिस्टम, थ्रू द गल सिस्टम, गल सिस्टम के बिहाव पे या फिर गल कॉम्प्लेक्स के बिहाव पे क्या होती है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम फ्रॉम गोल्जी बॉडी इन कोऑपरेशन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोऑपरेट करके गल सिस्टम के तहत लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। गल सिस्टम, GERL, ये गल सिस्टम। ओके, इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी एसोसिएट विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी एसोसिएट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कर देते हैं। गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लाइसोसोम, फॉर लाइसोसोम, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी का एसोसिएशन प्लस कर दिया। गोल्जी बॉडी का एसोसिएशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है और लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं गल सिस्टम। एक्चुअली फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी को दिया जाता है बट एसोसिएशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, उसके साथ मिल के क्या करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। गोल्गी बॉडी GB एसोसिएट होता है ER के साथ। गोल्जी बॉडी प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लाइसोसोम, यही हमारा फाइनल बात है। ओके, तो इस तरह से गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम में हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइसोसोम का? यहाँ पे लाइसोसोम इस तरह से स्फेरिकल बॉडी होती है, अंदर में एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स,
इस तरह से। तो जो बाउंड्री वाल होता है उसको बोलते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोमल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो दो ही कंपोनेंट एलिमेंट्स है स्ट्रक्चर में लाइसोसोम का, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री वाला और अंदर में मैट्रिक्स जिसको हम लोग लाइसोसोमल मैट्रिक्स बोलते हैं। दोनों को वन बाय वन हम लोग देखते हैं, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन क्या है और लाइसोसोमल मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हमारा होगा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है लाइसोसोम का? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। क्या है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, लिपोप्रोटीनेसियस। जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन्स, वो प्रोटीन और लिपिड का जनरली बना होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन और मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, दैट मीन्स लिपोप्रोटीनेसियस, सिंगल इन नंबर्स होता है। क्या होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन? सिंगल इन नंबर्स, सिंगल इन नंबर। ओके, और बना हुआ किसका होता है? लिपोप्रोटीन्स का, मेड ऑफ। किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का एक साथ बोलते हैं लिपो प्रोटीन का, दैट मीन्स लिपोप्रोटीनेसियस होता है, सिंगल इन नंबर्स है। और ये जो मेम्ब्रेन है हाईली रेसिस्टेंट टू इंजाइम्स इनक्लोज बाय इट। इसके अंदर जो लाइसोसोमल मैट्रिक्स में इंजाइम्स है, ख़तरनाक इंजाइम्स है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देगा, बट ये जो मेम्ब्रेन है उससे भी रेसिस्टर हो जाता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है, हाईली रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट टू द इंजाइम्स इनक्लोज्ड बाय इट। हाईली रेजिस्टेंट होता है टू द इंजाइम्स इनक्लोज बाय इट। मैट्रिक्स वाला पार्ट में अंदर में हाईली लाइसिस करने वाला इंजाइम्स होता है, हाईली रेजिस्टेंस उसको भी कर सकता है ये मेम्ब्रेन, उससे भी कुछ नहीं होगा, हाईली रेजिस्टेंस है टू द इंजाइम्स इनक्लोज बाय इट। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है लेबलाइजर स्टेबलाइजर का काम करता है। लेबलाइजर इन द सेंस परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, अंदर के लिक्विड सब्सटेंस को बाहर भेजना है, किसी भी फूड पार्टिकल्स को या अदर पैथोजेंस को डाइजेस्ट करना हो तो ये लेबलाइजर स्टेबलाइजर का काम करता है ना। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी बढ़ा देता है, अंदर से लाइटिक इंजाइम्स को बाहर भेजता है, वहाँ पे जाके वर्क करता है। और जब बाहर काम ख़त्म हो गया, सेल के अंदर काम नहीं है, तो ये परमिबिलिटी को घटा देता है, इम्परमिएबल हो जाता है, इम्परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे अंदर के मैट्रिक्स से इंजाइम्स, लाइटिक इंजाइम्स बाहर नहीं जा पाए, नहीं तो बाहर जाएगा तो सेल के कंपोनेंट को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टेबलाइजर का भी काम करता है ज़रूरत पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे लेबलाइजर का काम करता है, ज़रूरत पड़ने पे स्टेबलाइजर का भी काम करता है। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन दोनों फंक्शन करता है। ज़रूरत है बाहर किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना हो तो वो परमिबिलिटी को बढ़ा देगा, उसको बोलते हैं लेबलाइजर का काम करेगा, और जैसे ही काम हो जाएगा फिर वो अपना एक्टिविटी ऑपोजिट कर लेगा, स्टेबलाइजर का काम करेगा। ओके, तो ये जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है दोनों काम करेगा,
विथ लेबलाइजर एंड स्टेबलाइजर। तो जो गोल्जी सॉरी जो इंडो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन एज ए लेबलाइजर विथ लेबलाइजर एंड स्टेबलाइजर, दोनों काम करता है। लेबलाइजर का भी काम करता है, परमिटिविटी को बढ़ा देता है, परमिबिलिटी को बढ़ा देता है और परमिबिलिटी को घटा देता है। दैट मीन्स यहाँ पे परमिबिलिटी को बढ़ाता है, इम्परमिबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाता है। तो लेबलाइजर को हम लोग देखेंगे पहले। कैसे लेबलाइजर का काम करता है, कौन करता है ना। ये लेबलाइजर केमिकल सब्सटेंस होता है, ये इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन फॉर इजीली रिलीजिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, ये बाहर इजीली जा सके, परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, मेम्ब्रेन अपने परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये लेबलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है दैट इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ दैट इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ ये परमिबिलिटी को क्या करता है, परमिबिलिटी इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री वॉल है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा फॉर इजी रिलीजिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स को बाहर जाने के लिए मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को लेबलाइजर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। कैसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, इंक्रीज करेगा परमिबिलिटी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन फॉर इजी रिलीजिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, इजी वे में ये बाहर चल जाए और फंक्शन करे। ओके, ये केमिकल सब्सटेंस में एग्जांपल में देखेंगे, ये एग्जांपल में केमिकल सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है। केमिकल सब्सटेंस है लेबलाइजर जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से हाईली रेसिस्टेंस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल में विटामिन ए हो सकता है केमिकल सब्सटेंस। ओके, विटामिन बी, विटामिन के हो सकता है, विटामिन के हो सकता है, फाइनली विटामिन ई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, के हो सकता है, ई हो सकता है, लेकिन हाई डोज में ये विटामिन डी होगा। विटामिन डी क्या होगा, इन हाई डोज, हाई डोज में ये होंगे, तभी ये लेबलाइजर का काम करेगा। अगर ये विटामिन ई लो डोज में होगा तो फिर स्टेबलाइजर का काम कर देगा, परमिबिलिटी को घटा देगा, इम्परमिबिलिटी को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है, अभी बाहर जाने के लिए ये काम कर रहा है, फिर से बाहर नहीं जाओगे, बाउंड्री वॉल पक्का हो जाएगा तो फिर स्टेबलाइजर काम करेंगे, वहाँ पे विटामिन ई लो डोज में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेबलाइजर के बाद स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजर भी केमिकल्स हैं दैट इंक्रीज इम्परमिबिलिटी, ये भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करेगा, दैट इंक्रीज
दैट इंक्रीज इम्परमेबिलिटी 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 ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इम्परमेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा देगा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के, टू चेक द रिलीजिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स ओके, लाइसोसोमल एंजाइम्स के को बाहर जाने नहीं देगा, चेक कर देगा, दैट मीन्स इंक्रीज कराएगा केमिकल सब्सटेंस, इंक्रीज कराएगा इम्परमेबिलिटी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इम्परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, जाने नहीं देगा, टू चेक द रिलीजिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ओके, ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे जैसे एग्जांपल था लेबिलाइजर का केमिकल सब्सटेंस में विटामिन ए बी के ई, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोर्टिसोन हो सकता है, क्लोरोक्विन हो सकता है, और विटामिन ई लो डोज में होगा। ओके, स्टेबलाइजर का काम करेगा। फर्स्ट कंपोनेंट में लाइसोसोमल मेम्ब्रेन था, उसमें स्टेबलाइजर में एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल इस तरह से कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोन, क्लोरोक्विन, उसके साथ साथ यहाँ पे विटामिन ई लो डोज में हो जाएगा। लो डोज में हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टेबलाइजर का काम कब कर रहा है? जब विटामिन ई हाई डोज में। स्टेबलाइजर का काम कब कर रहा है? जब विटामिन ई लो डोज में। ये हाई डोज में है और ये लो डोज में विटामिन ई। तो ये फंक्शन होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का, ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन का है ना, ये स्फेरिकल बॉडी होती है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल होता है। तो यहाँ इस तरह से लेबिलाइजर और स्टेबलाइजर का फंक्शन करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है लाइसोसोमल मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड कंपोनेंट लाइसोसोमल मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू।